इवनिंग स्टूडेंट तो मोर जिते सब प्लस टू भाई भौनी माने अछंती से आई होप समस्त बहुत भल रे थिबे। तो देखो तो स्टूडेंट एबे जो तुमर प्लस टू रो मार्किंग आसीबो तार मार्किंग रो गोटे नुआ अपडेट आसी तो स्पेसिफिकली एटा सीबीएसई डिसाइड करछि। तो देखा जाऊ आमर सीएचएसई ताको अप्लाई करूछि कि करूनी, किंतु मोर सीबीएसई रो अपडेट आसी तो कोन 30-30-40 तो यही हिसाब से अपडेट टी आसी। तो कौन ये 30-30-40 तो बहुत लोग मन प्रश्न उठुचे कि कौन सर 30 को क्लास रो 30 मार्क निहब को क्लास रो 40 मार्क निहब तो केमती मार्किंग हम। तो टोटल जिनसर आम ये भिडियो तुमको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करदेवि। तो देख सीबीएसई रो केमती मार्किंग प्रोसीजर कराऊ। तो तुम जान सीबीएसई रो एग्जाम कैनसल हो तो सीबीएसई रो एग्जाम जब कैनसल हो तो मार्किंग प्रोसीजर कौन तो समस्त डिसाइड कर देख स्टूडेंट फर्स्ट 30 से कौन ने तुम से क्लास 11 रो जी सब टेस्ट है प्री टेस्ट है जहाँ जे सब एग्जाम हो तो रिजल्ट से 10-30 मार्क ने बुझे स्टूडेंट। तो फर्स्ट 30 टी कौन रहा क्लास 11 रो मीन्स प्लस टू फर्स्ट इयर से 30 मार्क ने। नेक्स्ट 30 मार्क रहा तुम क्लास 9 रो से 30 मार्क ने। क्लास 9 रो से परफॉर्मेंस देखिए कि क्लास 9 रो पिलार परफॉर्मेंस कौन था तो सेठू से 30 मार्क उठेबे। नेक्स्ट 40 रहा तुम क्लास 10th रो तो क्लास 10th रो से मार्क रखिंट के मार्क स्कोर करते से 40 मार्क ने। तो यहीपर 30-30+40 तो टोटाल होगा कैसे 100 मार्क। तो यही हिसाब से 100 मार्क रू से प्लस टू रो मूल्यायन करेंगे कि प्लस टू में कौ हिसाब से मार्क दिज्वे बुझिपाल स्टूडेंट। तो ये तो आज वीडियो तो मुझे तुमको आउ थे कहीदे कौन 30 तो फर्स्ट 30 टी रहा प्लस टू फर्स्ट इयर मार्क से 30 मार्क ने कि फर्स्ट इयर से टेस्ट प्री टेस्ट रू के कौन मार्किंग मार्क रखिंट से 30 मार्क ने। नेक्स्ट 30 मार्क टी से क्लास 9 रो 30 मार्क ने कि क्लास 9 रो परफॉर्मेंस केमती थी पिलाटर स्कोर केमती थी तो क्लास 9 एग्जाम तो निहाती है थी तो ता मार्क से 30 मार्क ने। आउ लास्ट 40 टी दशम श्रेणी मीन्स क्लास 10 रो से 40 मार्क्स ने। तो सबको नहीं कि गोटे मूल्यायन करेंगे जहाद्वारा कि प्लस टू मार्क्स से निर्धारण करेंगे बुझिपाल स्टूडेंट। तो मत जहाँ लगुच तुम प्लस आम सीएचएससी भी या निश्चय अनुसरण कर कहीं तुम जान जो टाइप सिचुएशन देखु से कौन सीएचएससी आम सीएचएससी सब सिचुएशन सीबीएसई जहाँ स्टेप नौ हिसाब से फॉलो करुच्चे तो से हिसाब से आमर सीएचएससी भी निश्चय या फॉलो कर आम से हिसाब से तुम प्लस टू निर्धारण कर। तो देख स्टूडेंट आउ ये कौन समस्त निश्चय पास करा तो से किसी टेंशन नहीं बिंदास रुह आराम से तुम निश्चय मार्किंग आसो जो मैंने मार्क में अनसाटिस्फाए अच्छे से निश्चय आउ थे एग्जाम देवार भी चान्स मिल बुझल स्टूडेंट। तो देख जो स्टूडेंट या तो मुझे आउ गए अनाउंसमेंट कराया चाहूँगी आमर प्लस 3 आउ रहा बीटेक पाठ पढ़ापढ़ी स्टार्ट होगलानी जो प्लस 3 बीटेक कि डिप्लोमार एडमिशन कराया चाहूँगी आम पाठ पढ़ापढ़ी स्टार्ट होगलानी कहीं जो टाइप सिचुएशन अच्छे तुम जान तुम ऑफलाइन क्लास हो पार नहीं ऑनलाइन क्लास कोई टाइप रोचे तुम जान तो से जो मानकर पाठ पढ़ापढ़ी असुविधा हो भी स्ट्रीम रहता तुम से डिप्लोमा हूँ कि बीटेक नियंतु कि प्लस 3 नियंतु तो से आमको कंटाक्ट करेंगे आम कंटाक्ट नंबर तुम जान मुझे डिस्क्रिप्शन में कंटाक्ट नंबर देदेवि तुम ये कंटाक्ट करके तुम निज पाठपढ़ाई को आगे बढ़े पार बुझिपाल स्टूडेंट। आई होप तुम भिडियो पूरा भिडियो सब क्लीयरली बुझिपार 30-30-40 मार्क्स मार्किंग स्कीम टी कौन तो जदि किसी डाउट अच्छे तुम मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जहाँ भी क्वेश्चन पचारिपर बुझिपाल स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।